हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यदुवंशी ब्लॉग में। और कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। ये बनाने जा रहे हैं आलू से नाश्ता, और देखिए कैसे बनता है। झटपट बनता है, कम सामान में बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, मेहनत भी कम है, सब कुछ सामान भी कम है। लेकिन हाँ, थोड़े सामान में कम मेहनत में अच्छी चीज़, चटपटी चीज़ बनती है और सभी को पसंद आता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। और आप लोग कैसे हैं और कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अभी इसको धनिया कट करके रख ली है, मिर्ची है, और ये आलू छील करके रख लिए हैं, जिसको कद्दूकस कर लेंगे। देखिए कद्दूकस करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू कद्दूकस कर लिया है, धनिया कट करके रख लिया है, और ये हरी मिर्च है, ये अदरक कद्दूकस करके रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा लहसुन कद्दूकस कर लिया है। अभी इसको मिक्स करते हैं। अभी और देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। अब ये सब एक में मिला ले रहे हैं, आलू में ही मिर्च और ये धनिया और सब इसमें मिला लेंगे। अभी आलू खुद ब खुद पानी छोड़ेगा। अभी इसमें ये कटोरी से आधी कटोरी सूजी डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और डालेंगे। और इसी कटोरी से एक कटोरी मैदा, अभी ये सब मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। नमक स्वाद के अनुसार। और अब इसमें इसको मिला लेंगे। दो आलू में ढेर सारा बन जाता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी बाइंडिंग के लिए, बस उतना ही पानी चाहिए जिससे बाइंडिंग हो जाए। देखिए ऐसे इतना हो जाए। अब गैस पे कढ़ाई रखते हैं, फिर इसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं, कैसे होगा, क्या बनेगा। इसके ये रख दिया है। अब इसको डालेंगे, गर्म हो जाएगा तो फिर डालेंगे इसपे तेल। और जब तक गर्म हो रहा है तब तक हाथों में ऐसे तेल लगा के ऐसे ऐसे गोला बना के इसकी इसको टिक्की जैसा सेप देंगे। ऐसे सभी ऐसे बना लेंगे। इस पर तेल पूरा फैला देंगे हर तरफ। थोड़ा सा डाल के देखेंगे गरम हुआ कि नहीं तेल। अभी हो गया है गरम। तुरंत का तुरंत बना बना के डालना रहेगा। देखिए दो आलू में कितने सारे बन गए, सारा तेल इधर आ गया है, इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है।
इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे सारे पलट देंगे। देखिए ऐसे कुरकुरा होने तक इसको धीमे धीमे पलट पलट के सेकेंगे। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप जो इनको डीप फ्राई खाना है जैसे कम वो डीप फ्राई करें, और जिनको कम तेल खाना रहता है वैसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए दो आलू में कितना सारा बन के तैयार हो गया। अभी इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, सब चीज़ के साथ खा सकते हैं, सब्जी की जगह पे खा सकते हैं। इसको बहुत टेस्टी लगता है, बहुत चटपटा बनता है, ये बारिश के मौसम में तो बहुत चटपटा लगेगा और झटपट बनने वाला है। देखिए कितना जल्दी झटपट तैयारी हो गई और झटपट बन भी गया। बस आलू कच्चा ना रहे और मैदा सूजी कच्ची ना रहे, इसलिए धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बनाना है, इसको कुरकुरा करना है। धीमी धीमी आंच पे बनेगा तो खूब कुरकुरा हो जाता है और ये कुरकुरा ही अच्छा लगता है। ये नॉर्मल तवे पे भी बन जाएगा, ये मेरे पास नॉनस्टिक था इसलिए बनाया, नॉर्मल पे भी आराम से बन जाएगा। जब मेरे पास नॉनस्टिक नहीं था तो नॉर्मल पर ही बनाते थे, बन जाता था। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पलट देते हैं और जो जो लाल हो जा रहे हैं उनको निकाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा लाल हो जाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो जलने जलने का आने लगेगा स्वाद। ऐसे चेक कर लेंगे जो लाल हो गया दोनों तरफ से उनको उठा लेंगे, ऐसे दबा दबा के दबा दबा के, किधर से भी कच्चा ना रहे। और देखिए इधर मेरी चाय भी बनके तैयार है, चाय उबल चुकी है, बिल्कुल तैयार है चाय, बस चाय छाननी है, ये नाश्ता तैयार हो जाए फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए बनके तैयार है, बहुत टेस्टी है, बहुत चटपटा है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना है खा के, और आप लोग भी आइए खा लीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।